हेलो दोस्तों, तो सो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आप सब तो देख ही नहीं होंगे कि कैसा फ़ोटोज एडिट हुआ था हमारा। तो फ्रेंड, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिल्कुल इस वीडियो में लेट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यहां से शेयर कर लेंगे अपनी फ़ोटोज़ को। सबसे पहले तो स्नैपसीड के अंदर, सो फ्रेंड आ चुके हैं अपने फ़ोटो को लेकर स्नैपसीड के अंदर। तो स्नैपसीड के अंदर आने के बाद से आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो गाइस, टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से आपको ऊपर की साइड में क्रॉप का ऑप्शन दे रहा है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो अपनी पिक को क्रॉप कर लेंगे हल्का सा, तो ऊपर की साइड में से और इतना कर लेंगे, और इधर की बगल की साइड से और कुछ इस तरह की साइड से हम इतना पे क्रॉप कर लेंगे अपनी फ़ोटोज़ को फ्रेंड। तो कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद से सही वाले ऑप्शन से डन कर देंगे। तो फ्रेंड, कुछ इस तरह से हमारा फ़ोटोज़ क्रॉप हो चुका है। क्रॉप होने के बाद से फिर वापस हम टूल्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। तो टूल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से आपको ऊपर की साइड में एक ऑप्शन दे रहा होगा यहाँ से ट्यून इमेज का। तो फ्रेंड, हम ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। दोस्तों, ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पे आने के बाद से हमको नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है। तो ऊपर की साइड में यहाँ से ब्राइटनेस का ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट पे, तो इसे ब्राइटनेस को हल्का सा हम लोग कम कर देंगे। इतना पे कम कर लेते हैं, प्लस माइनस 30 कर लेते हैं, इसे ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं। उसके बाद से फ्रेंड, हम नीचे के स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद से सेचुरेशन को यहाँ से हल्का सा प्लस कर देंगे, कुछ इतना पे प्लस 40 कर लेंगे। और उसके बाद से एम्बियंस को भी हम लोग प्लस कर लेंगे, प्लस इसे 50 कर लेते हैं, प्लस 50 कर लेते हैं। उसके बाद से हाईलाइट को भी हमको माइनस 50 कर लेना है। उसके बाद से शैडो को हमको प्लस में कर लेना है, प्लस 50 कर लेना है। सो फ्रेंड, इन तीनों को हमको 50-50 पे रखना है। उसके बाद से सही वाला ऑप्शन से डन कर देंगे। सो फ्रेंड, सही वाला ऑप्शन से डन करने के बाद से कुछ इस तरह से हमारा दिखने लगेगा फ़ोटोज़। उसके बाद से फिर वापस हम टूल्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। तो यहाँ से टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। टूल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल रहा होगा टोनल का, इस वाले ऑप्शन पे आएंगे। इस टोनल वाला ऑप्शन पे आने के बाद से कुछ इस तरह से हमारा फ़ोटोज़ दिखने लगेगा। तो हमको इस तरह से हाई टोन को इसे हम लोग कम कर देंगे, और इसे भी हम लोग मीडियम को कम कर देंगे, इसे प्लस हम लोग 20 कर लेते हैं। उसके बाद से इसे हम लोग हल्का सा कुछ इतना पे कर लेंगे। इतना करने के बाद से फ्रेंड, सही ऑप्शन से फिर डन कर देंगे। अब डन करने के बाद से गाइज, वापस अपनी पिक को ले चलेंगे, शेयर कर लेंगे अपनी पिक को ऑटोडेस्क के अंदर। तो यहाँ से शेयर कर लेते हैं फटाफट से। सो दोस्तों, आ चुके हैं अपने ऑटोडेस्क के अंदर। तो ऑटोडेस्क के अंदर आने के बाद से सबसे पहले तो हम यहाँ से पेंसिल्स वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो ये रहा पेंसिल्स वाला ऑप्शन, तो पेंसिल्स वाले ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद से मेरे भाई नीचे आना है आपको, तो स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। तो नीचे आने के बाद से कुछ और आपको नीचे आना है, तो नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद से आपको यहाँ से एक ऑप्शन दे रहा है आर्टिस्ट, आप यहां से देख रहे हैं आर्टिस्ट का ऑप्शन। तो आर्टिस्ट वाले यहां से, ये वाला आर्टिस्ट में ये ब्रश है, इसे हम लोग यूज करेंगे अपने फेस स्मूथ में। तो इसे हम अपने फेस स्मूथ में यूज करेंगे। तो इस ब्रश को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से आपको सेटिंग में जाना है। तो यहां से सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद से भाई आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो यहाँ से टाइप्स ब्रश वाला ऑप्शन पर आ जाना है। टाइप्स ब्रश वाला ऑप्शन पे आने के बाद से यहाँ से सम डेज में है, तो आप सम डेज में रहने दीजिए, इसी में हमको करना है ठीक। उसके बाद से आपको इस तरह से अदर में है, इसमें या इसमें इसमें, तो आपको सम डेज में कर देना है उठाकर ठीक। उसके बाद से बैक आ जाएंगे। दोस्तों, बैक आने के बाद से फिर वापस हमको यहाँ से सेटिंग कर लेना है। आपको यहाँ से आपको फालो को सेटिंग करना है और साइज को सेटिंग करना है। तो सबसे पहले हम फालो को सेटिंग कर लेते हैं। तो फालो को हमारा यहाँ से 6% पर रहेगा फालो, और साइज अपने फ़ोटोज़ के हिसाब से कर लेना, हम बता देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से कट कर देते हैं, इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद से अपना फ़ोटोज़ को जूम कर लेंगे। तो जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद से आपको यहाँ से एक ऑप्शन दे रहा होगा ये वाला बिंदी का, तो इस पर क्लिक करेंगे और लेफ़्ट राइट करेंगे तो ब्रश का साइज बड़ा छोटा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका साइज बड़ा छोटा हो रहा है। तो फ्रेंड, हमको कुछ इतने साइज पे रख लेना है ठीक। उसके बाद से कट कर देंगे और अपने फेस पे
हल्के हाथों से कुछ इस तरह से आपको स्मूथ कर लेना है। तो फटाफट से हम स्मूथ कर लेते हैं। सो दोस्तों, फिर वापस हमने अपने फेस को स्मूथ करेंगे एक बार और हल्के हल्के हाथों से फिर। तो गाइज, इस बार पूरा अच्छी तरीके से मेंटेन करके हम लोग करेंगे स्मूथ। तो कुछ इस तरह से हम लोग फटाफट से स्मूथ कर लेते हैं। सो दोस्तों, फाइनली हमने अपने फेस को स्मूथ कर लिया है। स्मूथ करने के बाद से फिर वापस हमको अपने फेस पे थोड़ा हल्का सा लाइट कर देंगे। तो लाइट करने के लिए आपको यहाँ से एक लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, तो लेयर वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो लेयर वाले ऑप्शन पे आने के बाद से आपको फिर से आपको यहाँ से एक प्लस का ऑप्शन दे रहा है। तो प्लस वाले ऑप्शन से एक डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे। तो यहाँ से लेयर हमारा शो कर रहा है डुप्लीकेट। उसके बाद से आपको यहाँ से कलर वाला ऑप्शन पे आ जाना है। तो कलर वाला ऑप्शन पे आ जाते हैं। कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद से आपको यहाँ से कॉपी का ऑप्शन दे रहा है, ठीक। तो हम इस वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। इस वाले ऑप्शन में आने के बाद से इसको हमको इस ऑप्शन में आना है, मतलब कि हमको ऊपर से चौथे नंबर कलर पे आना है। तो चौथे नंबर कलर पे आ जाते हैं। आने के बाद से फ्रेंड आपको यहाँ से एक ऑप्शन दे रहा है YR23 का। तो इस वाले ऑप्शन को हम लोग ले लेंगे, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा कि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फिर वापस यहाँ से कट कर देंगे, ठीक। सो फ्रेंड, कट कर दिया है। कट करने के बाद से वापस हमको यहाँ से पेंसिल्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो पेंसिल्स वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। पेंसिल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से आपको यहाँ से लाइब्रेरी का ऑप्शन दे रहा है। तो लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। आने के बाद से नीचे स्क्रोल करेंगे ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में आने के बाद से आपको यहाँ से एक नंबर दे रहा है, ये वाला हमको पेंसिल सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से आपको ट्रांजिशनल का ऑप्शन दे रहा है, तो इसे हम लोग इसमें ये वाला पेंसिल सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से कट कर देना है। कट करने के बाद से अपने फेस को जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से। जूम करने के बाद से पूरे फेस पे अपने इस तरह से पेंसिल चला लेना है। हमको हेयर पे नहीं चलाना है, बल्कि हमको पूरे अपने फेस पे चलाना है। तो फटाफट से कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से अपने फेस पे पूरे ब्रश कर लिया। ब्रश करने के बाद से आपको फिर से लेयर वाला ऑप्शन पे आ जाना है। तो लेयर वाला ऑप्शन पे आ जाते हैं। लेयर वाला ऑप्शन पे आने के बाद से इसे खोलेंगे। खोलने के बाद से आपको यहाँ से ओपासिटी का ऑप्शन दे रहा है। तो फ्रेंड, इसको कम कर देंगे कुछ इस तरह से। हमको इतना पे कर देना है कम। उसके बाद से आपको यहाँ से एक ऑप्शन दे रहा है एडजस्टमेंट का। तो हम लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद से नीचे की साइड में प्लस में कर देंगे और इसे हल्का सा माइनस में। उसके बाद से डन कर देंगे। डन करने के बाद से कुछ इस तरह से हमारे फेस पे लाइट आ जाएगी। लाइट आने के बाद से फ्रेंड फिर वापस अपने पिक को शेयर कर लेंगे स्नैपचैट के अंदर। तो दोस्तों, फटाफट से शेयर कर लेते हैं। दोस्तों, टूल्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। तो टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। टूल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से आपको यहाँ से लेंस ब्लर का ऑप्शन दे रहा है। लेंस ब्लर वाला ऑप्शन पे आएंगे। लेंस ब्लर वाला ऑप्शन पे आने के बाद से कुछ इस तरह से रख के इसे साइड में, और उसके बाद से इसे हम लोग थोड़ा छोटा कर लेंगे। सो दोस्तों, कुछ इस तरह से हम अपने छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद से इसे हम लोग ट्रांजिशन को इसे कम कर देंगे। कम करने के बाद से उसके बाद से इसे भी हम लोग कम कर देंगे, और उसके बाद से ब्लर को कुछ इतना पर रख लेंगे 75% पे, और सही वाला ऑप्शन से डन कर देंगे। डन करने के बाद से फ्रेंड हमको फिर वापस यहाँ से तीर वाला ऑप्शन पे जाना है। तीर वाला ऑप्शन पे आएंगे और आपको यहाँ से बीप सी एडिट का ऑप्शन दे रहा है। तो बीप सी एडिट पे आएंगे। बीप सी एडिट पे आने के बाद से आपको यहाँ से लेंस ब्लर का ऑप्शन दे रहा है। तो इसे हम लोग खोलेंगे। खोलने के बाद से आपको यहाँ से ब्रश का ऑप्शन दे रहा है। तो ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो ब्रश वाले ऑप्शन पे आने के बाद से कुछ इस तरह से हमारा शो करेगा। फ्रेंड, हम दिखा दे रहे हैं, कुछ इस तरह से हमारा शो करेगा। तो इसे हम लोग इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद से अपनी फ़ोटोज़ को जूम कर लेंगे। जूम करके कुछ इस तरह से हम लोग हल्का हल्का से है ना ब्लर कर लेंगे। तो फटाफट से अपने साइड से ब्लर कर लेते हैं।
सो फ्रेंड कुछ इस तरह से हमारा फोटोज एडिट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।